रिलायंस पावर किस भाव पे लिया हुआ है? सर यानी पहले तो क्या था कि 6 रुपीज के भाव में लिया था मैंने, फिर बाद में कुछ तेजी आई थी ना तो मैंने 15.42 के प्राइस में लिया हुआ है, जब पैसा बहुत ब्लॉक हो गया। 1800 शेयर्स ब्लॉक हो गया है, पैसा इसमें एवरेज करने की कोशिश थी। अच्छा ठीक है भाई, शर्मिला क्या करना है? ये लिया क्यों था निशा मैम? बहुत पिटा हुआ था इसीलिए, ट्रेडिंग वेडिंग का मन था क्या? लॉजिक से उतरे थे 6 रुपए पे रिलायंस पावर पे पहली बार? अरे अभी तो क्या कम था, मेरे पापा ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था, निशा तेरे पास पैसा हो ना तो लेके रख ले, तू मुझे याद करेगी। तो तब तो मैंने सोचा नहीं नहीं पापा तो बोल रहे हैं पर मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। फिर इसमें क्या गया, अभी बीच में 22 रुपीज की सर्किट लगी थी, अब मैंने सोचा मुझे पापा का वो रिमाइंड हुआ कि नहीं अब मैं हाई रिस्क ले सकती हूँ, पर तो अभी ऐसा हो गया। और अब पापा की बार बार याद आ रही है क्योंकि स्टॉक गिरे चले जा रहा है। अच्छा शर्मिला क्या करें, अब क्लियरली बियर ग्रिप कहूं या एक्चुअली फंडामेंटल्स हैं जो प्ले कर रहे हैं भाव पे लॉजिकली? तो और अब हो ये गया है कि सिर्फ हम रिटेल के पास रह गया है, इंस्टीट्यूशंस नदारत हैं लार्जली, प्रमोटर्स का ज्यादा अब चंक रह नहीं गया इसमें, सारा रिटेल के पास माल फंसा हुआ है। ये रखने लायक है नहीं है? मेरी खरीद 15.5 की, भाव 11.5 का, क्या करना है? तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि इन टर्म्स ऑफ अगर आप बैलेंस शीट और ये सब चीजें देखें और क्या नेट लेवल्स है वो सब चीजें अगर देखें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं करता है रिलायंस पावर। तो मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले हम टाटा पावर की बात कर रहे थे, अगर आप ये लॉस भी ले और टाटा पावर में वो इन्वेस्ट करें तो आई थिंक देन देयर आर बेटर चांसेस कि आप यहाँ से पैसे बनाए, तो आई वुड रियली रिकमेंड अ स्विच टू टाटा पावर। ज्यादा लक को टेस्ट नहीं करने का है, ज्यादा इसमें वेट नहीं करने का है, बेहतर यह है कि एग्जिट करें और किसी टाटा पावर जो फंडामेंटली कहीं ज्यादा स्ट्रांग एटलीस्ट इस समय उस पे दाव लगाएं, काफी हद तक लॉस की भरपाई करने में आसानी वहां पर होगी बजाय कि यहां पे बैठे रहने से। डर भी है कि और ना गिर जाए क्योंकि पिटे ही चले जा रहे हैं स्टॉक।